बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ और दुआगो हूँ अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे, खैरियत से रखे। आज मैं आपको बहुत ही आसान और क्विक तरीका बताने जा रही हूँ दही जमाने का। ये मैंने मिट्टी का प्याला लिया है दही जमाने के लिए, क्योंकि हमें अवॉइड करना चाहिए प्लास्टिक के बर्तन, उनमें हमें गर्म चीज़ें नहीं डालनी चाहिए। वो मैंने सुना था कि तहकीक हुई थी कि वो कैंसर का सबब बनते हैं। तो ये मैंने आधा किलो दूध ले लिया और इसे मैंने आहिस्ता आंच में नीम गर्म कर दिया है। जब नीम गर्म दूध हो जाए तो आप इसे प्याले में डाल लीजिए। दूध को ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, सिर्फ नीम गर्म हमने उसे करना है। उसे हम प्याले में डालेंगे और तकरीबन मेरे पास ये है 1 टेबलस्पून दही की। इसे आप अच्छी तरह करके मैश कर लें, इसके अंदर गिल्टियाँ सी नहीं बनी होनी चाहिए, अच्छी तरह मैश होना चाहिए। आप इसे अच्छी तरह मिक्स करें, नीम गर्म दूध में अच्छी तरह करके आपने इसे मिक्स किया। ये मेरे पास थोड़ा सा वो है। फिर इसके बाद आपने किसी भी एक कॉटन का कपड़ा लेके तो इसे ढक देना है, ऊपर प्लेट दे के। तो ऊपर आपके पास कोई भी दस्तरखाना वगैरह तो उसके साथ आप अच्छी तरह से कवर कर दें। लें जी, तैयार है। बिल्कुल जिस तरह कह लें कि आप डब्बे में बना बनाया दही मिलता है ना, बिल्कुल वैसे ही है। देखें कितना अच्छा जम गया, ये रेडी है। मेरे हस्बैंड कल जैसे कुछ शॉपिंग करके लेके आए हैं मेरी बेटी के लिए। मेरी एक बेटी है जो कि किंडरगार्टन स्कूल में जाती है अभी, तो उसका लास्ट ईयर है स्कूल में। तो कल उसके लिए एक कुछ शॉपिंग करके लेके आए हैं। मेरे हस्बैंड से वो खुद ही शॉपिंग करते हैं, मुझे क्या कहते हैं, वो कहते हैं तुम घर मेरे, मैं खुद ही शॉपिंग करके ले आता हूँ। तो ये कि जो भी लेके आते हैं चलो अच्छा होता है, क्योंकि वो मेरी बेटी नहीं पसंद करना होता है कि अच्छा है कि नहीं, वो रिजेक्ट कर दो तो फिर रिजेक्ट ही है फिर। तो ये एक फ्रॉक लेके आए थे वो, इसके अलावा ये उसके लिए एक शूज़ लेके आए हैं, क्योंकि उसने आगे स्कूल जाना है तो उधर फिर बच्चे जो से वो प्ले करते हैं दौड़ते वगैरह हैं, तो फिर उस तक हमने शूज़ देखने हैं जिसमें वो कंफर्टेबल रहे, गिरे नहीं, दौड़े तो आराम से दौड़ सके। तो एक ये शूज़ लेके आए हैं। आगे से पहले वो एक शूज़ लेके आए थे, वो उसने पसंद नहीं किया तो फिर वापस कर आए थे, क्योंकि ये उसकी पसंद के ऊपर डिपेंड करता है। ये एक तीसरा शूज़ लेके आए थे। इसके अलावा वो घर में यूज़ करने के लिए एक जॉनसन्स का बेबी शैम्पू, ये बच्चों के लिए बहुत अच्छी है। मैं तो कहती हूँ कि बच्चों के बाल इससे बहुत ज़्यादा सिल्की हो जाते हैं। और एक पानी की बॉटल लेके आए हैं। तो मैंने कहा कि कुछ शॉपिंग करके लेके आए थे, चलें आपके साथ शेयर करूँ। तो अपना ख्याल रखिएगा और दुआ में याद कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक अगली वीडियो की अल्लाह हाफिज़।